हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, फ्रेंड्स ठीक ठाक से होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज फिर से एक कंस्ट्रक्शन साइट विजिट पर आया हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको RCC कॉलम कास्टिंग के बारे में जो टिप्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। आइए मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो में देखोगे कि कॉलम में कुछ डॉट डॉट से कुछ स्पॉट्स दिख रहे हैं, होल जैसे। फ्रेंड्स, ये इसलिए आते हैं जब हम कॉलम आप कास्ट करते हैं तो इसमें प्रॉपर ढंग से वाइब्रेटर नहीं चलता है और आप देखेंगे इसमें कुछ क्रैक्स भी हैं। तो फ्रेंड्स, इसका क्या रीज़न होता है कि जब हम इसकी कास्टिंग करते हैं, कॉलम को कास्ट करते हैं, तो इसमें एक तो वाइब्रेटर नहीं चलता है और इसकी प्रॉपर क्योरिंग नहीं हुई है और टाइम से पहले इसकी शटरिंग खोल दी गई है और इसके ऊपर स्लैब का लोड के लिए उन्होंने शटरिंग और वो काम करना शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत था। इसकी प्रॉपर 10-12 दिन के लिए शटरिंग करते उसके बाद डी शटरिंग करनी चाहिए थी, प्रॉपर पानी देना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं किया गया है। आप जब भी अपना काम करवाएं तो ध्यान रखें कि ठेकेदार इस तरह की गलती ना करे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अपने भाई को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आता रहूँ। थैंक यू।